चलो पहली बात सुनील तो, उपाध्याय। और आपकी आने वाली फिल्म के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जिसको आपने लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा। हाँ, अभी कहर आ रही है भोजपुरी फिल्म है, और ये शायद 28 को रिलीज पे है, और इसमें हैं गौरव झा जी हैं लीड में, मोनालिसा हैं, और देखेंगे कि उमेश सिंह हैं, संजय पांडे हैं। किस तरह की कहानी है थोड़े से बताइए। ये कहानी तीन दोस्तों की कहानी है, कॉलेज फ्रेंड रहते हैं और सिचुएशनल है, गांव जाते हैं, गांव से रिलेटेड है, वहाँ पे कुछ घटनाएं घटती है और उसके पीछे की कहानी आगे बढ़ जाती है। ओके, आपने गौरव झा को ही क्यों लिया? गौरव झा चूँकि जब मैं कहानी लिख रहा था तो गौरव झा मेरे नज़र में थे, और ये कहानी एक यंग लड़के की कहानी है और गौरव झा उसमें फिट बैठ रहे थे, तो मैं उनको देख के ये कहानी लिखा था और वो वैसा निभाए उस किरदार को। ओके, इसके अलावा जो अब आपने लिखा था, क्या तुम सोचकर आपने लिखा, फिल्म की कहानी किस समाज को टारगेट कर रही थी? फिल्म की कहानी जो युवा यूथ है अपना, जो भी यूथ है उसको टारगेट कर रही है, कि जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, जब हम हमारी लाइफ चेंज होती है, एक ऐसे मोड़ पर होती है जब हम चेंज हो रहे होते हैं, तो उसको टारगेट किया गया है कि क्या हमारा जो लाइफ है जब हम चेंज चाहते हैं तो प्रॉपर दिशा में लेके कैसे जाना है, या कोई घटना, छोटी सी घटना घटती है, कभी ऐसा होता है कि हमारा फोकस कहीं और रहता है और एक छोटी सी घटना घटती है हमारी लाइफ में और सारा मेरा करियर या जो भी होता है चेंज हो जाता है। तो डिसाइड, जब भी हम स्टोरी को देखेंगे, जब भी हम फिल्म को देखेंगे तो ऑडियंस देखेगी तो उसको पता चलेगा कि क्या करना है, मतलब क्या सही डिसीजन क्या रहेगा। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, क्या आप संतुष्ट है ट्रेलर देखकर? हाँ हाँ, मुझे तो अच्छा लगा है, ऑफकोर्स मेरी फिल्म है तो मुझे अच्छा ही लगेगा, ये तो ऑडियंस को बताना है कि कितना संतुष्ट है कितना नहीं है। कब तक ये रिलीज हो जाएगी? ये ऐसा देखिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं 28 को रिलीज करने के लिए। और कब तक, कहाँ कहाँ रिलीज होगी? बॉम्बे में? ये अभी बिहार और झारखंड में रिलीज हो रही है, फिर शायद यूपी में होगी, और ये तो इससे मुझसे बेहतर तो प्रोड्यूसर ही बताएंगे। कितनी की कमाई की एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल्म? मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कितनी कमाई होगी, क्योंकि ऑडियंस ही सब कुछ है, अगर वो पसंद करती है तो कमाई भी होगी, एक बेहतरीन कोशिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।